हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, वेदांता कंपनी के रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल गई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी शेयर होल्डर्स के लिए एंड जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिन लोग ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो अगर न्यूज़ की बात की जाए, सो एक नई न्यूज़ निकल के, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वेदांता कंपनी ने एक नई अपडेट की न्यूज़ निकल के आई। उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको लाइक फाइनेंशियल जो 2023 होगा वहाँ पर अगर देखा जाए, सो जिंक की जो वैल्यू होगी, जो आउटपुट निकल के कितना आने वाला है, 1000 से लेके 1025,000 टन तक निकल के आ सकता है आउटपुट कंपनी का। एंड यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल 2003 में अगर आप देखें, यहाँ पे आयरन ओर का कर्नाटका में जो है उसका भी आउटपुट कितना 5 से लेके 5.5 तक, कितना मैट्रिक टन पर एनम पर निकल के आ सकता है। सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी लाइक फाइनेंशियल जो भी 2023 होगा उसमें जो भी कंपनी की करंट प्राइस रहेगा, जो शेयर प्राइस रहेगा उसमें बढ़ोतरी हमको देखने मिल सकती है। इट मीन्स कंपनी, अगर आप कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करेगी, इसमें आपको भी अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। एंड साथ में कंपनी ने एक और अपडेट लेके आया है कि जो भी लाइक अगर आप स्क्रीन पे देखें, सेकंड लाइन यहाँ पे देखें, वेदांता कंपनी ने अप्रूव किया जो भी एंट्रेंस में जो भी डिविडेंड होता है, आपको डिविडेंड भी इसे मिलने वाला है। सो जो भी 9 मई के पहले जिनके पास भी वेदांता कंपनी के शेयर प्राइस रहेंगे, लाइक जो भी शेयर्स अगर रहेंगे, जो भी स्टॉक रहेगा, उनको कितना 31.5% का उनको रिटर्न मिलेगा एक शेयर के पीछे देखा जाए तो 31.5 रुपीज उनको मिलेगा। तो आप हो सके तो आप 9 मई के पहले ये कंपनी के शेयर परचेस कर लीजिए, एंड आपको अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी मिलेगा 9 मई के पहले अगर आप करेंगे तो। एंड यहाँ पे लाइक अच्छा खासा न्यूज़ भी निकल के आया है कि लाइक फाइनेंशियल 2003 में भी कंपनी के जो शेयर प्राइस वो आप जा सकते हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ का इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सो ये था लेटेस्ट न्यूज़। सो आई थिंक, सो अगर आप देखें कंपनी से करंट प्राइस भी देखें, अगर आप लास्ट पास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखिए, सो इसने कितना 156.15 रुपीज का इसने रिटर्न अच्छा खासा दिया हुआ, परसेंटेज में देखें तो 61.22% का। सो अगर आप देखें तो जो भी फाइनेंशियल 2003 का उसमें अच्छा खासा रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्वार्टर जो भी रिजल्ट है कंपनी का पॉजिटिव देखने मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये था कंपनी का न्यूज़। तो गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।